फ्रेंड्स फिर से मिल गए तो अभी भी मैं एक नए लोग के साथ। और आज है नाग पंचमी, तो सब वो हैप्पी नाग पंचमी। और आज जाएंगे, हमारे यहाँ पूजा रिवाव है जो बहुत यूट्यूबर्स ने वीडियो में डाला ही है ऑलरेडी। तो भी मैं वो जगह आपको दिखाऊंगा। वहाँ नाग देवता का मंदिर है, खोड़ियार माँ का भी मंदिर है। तो नाग देवता का मंदिर है तो वहाँ आज दर्शन करने जाएंगे। तो चलो चलते हैं। ओ फ्रेंड्स, अभी जा रहे हैं। वहाँ हाईवे के ऊपर पानी बहुत सारा होगा, इसलिए ये एक शॉर्टकट में से जा रहे हैं। और साथ में बारिश भी चालू है, पता नहीं ये लास्ट व्लॉग भी हो सकता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बारिश इससे ज़्यादा शुरू हुई तो आप हमारे मोबाइल का तो काम तमाम सब। अच्छा, हमको सिखा रही है। बाकी तो देखिए, थोड़ा लैग कर रहा है मोबाइल, पता नहीं ये क्या कर रहा है, मोबाइल थोड़ा लैग कर रहा है। स्टोरेज भी मेरी 128 है, बट उसमें से अभी तो 45 GB खाली है। तो अभी ये क्यों हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। मोबाइल भी आज से स्लीप हो रहा है, मोबाइल पकड़ो, मोबाइल सब गया सब। A few moments later. तो जी पहुंच गए हैं पुजारी बाबा पे। अब डायरेक्ट मंदिर के ही दर्शन करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा शूटिंग करना ज़्यादा अलाउड नहीं है, इसलिए चलो चलते हैं डायरेक्ट दर्शन में करके। तो देखिए फिर, अभी तो वाव पूरी भरी हुई है, नहीं इधर वाव के अंदर है माता जी का और नाग दादा का मंदिर, और ये है यहाँ का आश्रम। अभी वाव पूरी भरी ही नहीं तर दिखा था, बट मेरे एक शॉर्ट में है वो सीन, शॉर्ट की लिंक डाल दूंगा। बाकी तो आप वाव देखिए, अभी रिसेंटली बहुत बारिश हुई नहीं इसलिए भर गई है। और देखिए ये है फ्रेंड्स, एक शिलालेख है वहाँ, ये भी बहुत ओल्ड है। और इस शिलालेख में कुछ ऐसा लिखा है कि जब ये पोरबंदर जिला नहीं था तब की ये बात है, जूनागढ़ स्टेट के एशियन एनियमेंट एक्ट के तहत आप इस शिलालेख को जो कोई भी नुकसान करेगा ना उसको कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है, क्योंकि ये जगह बहुत एशियंट और पुराने ज़माने की है। और ये जगह इतनी प्राचीन है कि यहाँ शिलालेख लगाना पड़ेगा। इस जगह हो या कोई शिलालेख को नुकसान करेगा तो उसको उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही हो सकती है, ऐसा कुछ है इस शिलालेख में। तो फ्रेंड्स, अभी देखा आपने, वाव तो पूरी भरी हुई है, वहाँ मंदिर भी है नाग दादा का। वो एक पहले वाली क्लिप डाल देता हूँ, उसमें आप देख लेंगे। बाकी तो यहाँ बगीचा भी है, छोटा सा बगीचा है, कुछ बच्चों को खेलने का आदना है। तो चलो चलते हैं मेरे पापा के मामा की वाड़ी पे, वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और बाद में जाएंगे अपने घर, वो यहाँ नज़दीक ही है। One hour later. तो फ्रेंड्स, अभी जा रहे हैं पापा के मामा की वाड़ी से घर अपने।
तो गोभी यार निकलना था। और फ्रेंड्स, आपने जो मेरे क्लोज फ्रेंड है इंस्टा में, जो क्लोज है और मेरे इंस्टा में फॉलोवर है ना, उन सबको तो पता है कि हमने मोटो ब्लॉग का सेटअप तो अब ऑर्डर कर दिया है, 4-5 दिन में आ जाएगा और बाद में मोटो ब्लॉग करेगा। अभी तो मैं सिंगल अच्छे ड्राइव करता हूँ और एक अच्छे मोबाइल पकड़ता हूँ, इसलिए थोड़ा हार्ड लगता है। बाकी तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तब पहले से ही शौक ही था कि मोटो व्लॉग कहीं करेंगे मोटो व्लॉग, बट बाद में थोड़ा इंटरेस्ट लगा कि डेली व्लॉग भी शूट करना चाहिए। ये थोड़ा रिस्क वाला काम काज है मैं जो करता हूँ ना, और मैं जिस तरह शूट करता हूँ ना, अगर कोई इन फ्यूचर आप भी यूट्यूबर बने तो आपको भी ये रिकमेंड मैंने नहीं करता कि आप भी मेरी तरह इस तरह लॉगिंग करें रिस्क लेकर, ये बहुत रिस्क वाला है, क्योंकि बाइक को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता, वो भी ऐसे रास्ते में जहाँ ये कूदते और यहाँ कहीं भी कूद निकल सकता है, या कोई ये रास्ते में मान लो ये कोई सांप बाप निकले, इसलिए इसमें कंट्रोल करना भी जितना आपको आसान लगता हो ना इतना नहीं है। बाकी तो बाद में जो मोटो व्लॉग का सेटअप आ जाएगा वो हेलमेट में मोबाइल माउंट हो जाएगा, अभी तो मोबाइल में ही करेंगे ये मोटो व्लॉग। बाकी हाँ, बाद में जब हम करेंगे इन फ्यूचर कदाच कोई लेंगे एक्शन कैमरा या कुछ और, तो तब की बात अलग से, अभी तो मोबाइल में ही करेंगे शूट कर। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी कुतियाना वो सिटी वाला एरिया आ रहा है, इसलिए यहाँ कभी भी कोई व्हीकल या कुछ आ सकता है बीच में, इसलिए सिंगल आज से यहाँ तो आसान नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। ओके, बाय।